नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो आइए आपको इस व्लॉग में ले चलते हैं श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा, जो कि पंजाब राज्य के पटियाला शहर में स्थापित है। यह गुरुद्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। पटियाला शहर का यह गुरुद्वारा कई आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही दुखों का निवारण हो जाता है, इसलिए इस गुरुद्वारे के नाम भी दुख निवारण साहिब रखा गया है। यहाँ पर लोग तन मन धन से सेवा भी करते हैं। तो आइए आपको गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन कराते हैं और गुरुओं की भक्ति में शामिल होते हैं। इस गुरुद्वारे का एक इतिहास भी है, जो कि श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक गांव लहल में उस समय बच्चों में सोके की बीमारी अथवा चरम रोग फैला हुआ था। तब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने एक हुक्म जारी किया कि जो भी श्रद्धा भाव से इस टोबे यानी सरोवर में स्नान करेगा, उसके सभी रोग दूर हो जाएंगे और दुखों व कष्टों का निवारण हो जाएगा। यहाँ पर एक अद्भुत सिख अजायब घर का भी निर्माण हुआ है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर सिखों के इतिहास को भी दर्शाया गया है। गुरु जी ने एक हुक्मनामा भी जारी किया, जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संभाल कर रखा है। इस हुक्मनामे को शीशे में जड़वाकर जहाँ गुरुद्वारा साहिब की जोत जलती है, उस जगह रखा गया है। और उन्होंने एक आदेश दिया कि जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसे गुरु धाम प्राप्त होगा। इस धाम को गुरु तेग बहादुर जी की चरण छो प्राप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।